हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अगर कोई वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमें मेल कर सकते हो, हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं 10 कदम, जिसका नाम है 10 कदम, जिसमें आपको हम ऐसे 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो कोई भी एक विशेष एक टॉपिक आपके सामने पेश किया जाएगा। उस टॉपिक के ऊपर आपको हम 10 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो हर कोई एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये क्वेश्चंस, ये एक सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम आपके सामने हर हफ्ते में ऐसे वीडियोस लाएंगे जिसमें आपके सामने 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे। तो आज का जो वीडियो है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 कदम ये सीरीज़, तो इस 10 कदम में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ATM से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है। सिंपल है बहुत, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बारे में आपको हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ATM का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM किसे कहते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज अ कंप्यूटराइज मशीन दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर्स ऑफ बैंक्स द फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिंग देयर अकाउंट्स फॉर डिस्पेंसिंग कैश एंड टू कैरी आउट अदर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विदाउट द नीड टू एक्चुअली विजिट देयर बैंक ब्रांच। जैसे कि हम कोई ब्रांच में हम विजिट करते हैं, जैसे कि कोई बैंक में, बैंक के ब्रांच में हम जाते हैं, तो उसे ब्रांच बैंकिंग कहते हैं। तो विदाउट गोइंग टू ब्रांच हम कैसे हम हमारे अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं? तो इसका एक सिंपल ऑप्शन है, सिंपल वे है ATM मशीन को यूज़ करके, जिसमें हम कैश को डिस्पेंस कर सकते हैं, मतलब कैश विड्रॉ कर सकते हैं या फिर कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, और कोई फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन फिनेंशियल मतलब ATM का पिन चेंज करना, उसका अकाउंट स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट को हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन करने वाली मशीन है, कंप्यूटराइज मशीन है, इसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर वाइट लेबल ATMs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, जा चुका है। तो वाइट लेबल ATMs मतलब WLAs फ्रेंड्स, इसका आंसर है ATM सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स आर कॉल्ड वाइट लेबल ATMs। मतलब जैसे कि कोई एक ब्रांच है, बैंक की ब्रांच है, उसके बाजू में ये कोई ATM है, ठीक है, ATM का मशीन है, ATM मशीन लगा हुआ है, तो उस ATM के मशीन को बैंक खुद ऑपरेट करती है, ठीक है। मान लो उसमें कैश डिपॉजिट करना, उस वो कैश को मेंटेन करना, ऑपरेट करना, ये खुद वो बैंक करती है। बट जब कोई नॉन बैंकिंग कंपनी, जैसे कि किसी बैंक ने किसी दूसरे कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये ATM मशीन में आप खुद आके पैसे भर ले, खुद आके उसका ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कर ले, तो ऐसे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जब कोई कंपनी करती है, और ऐसा मशीन जब कहलाता है कि कोई दूसरे कंपनी से मेंटेन होता है, ऑपरेट होता है, तो उसे हम वाइट लेबल ATM कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आर ऑथराइज अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे कि बैंक को खुद रिजर्व RBI ने एक्सेस दिया है, वैसे ही उन कंपनीज को भी एक्सेस दिया है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के मुताबिक, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं वाइट लेबल ATMs। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ATM एंड WLA वाइट लेबल ATM। इसका डिफरेंस है, इसके दो पॉइंट्स है। फर्स्ट है, इन वाइट लेबल ATM सिनेरियो लोगो डिस्प्लेड ऑन ATM मशीन एंड इन ATM प्रीमाइसेस परटेन टू WLA ऑपरेटर, ठीक है, WLA ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ बैंक। हाउएवर फॉर अ कस्टमर यूजिंग WLA इज जस्ट लाइक यूजिंग द ATM ऑफ अदर बैंक अदर देन कार्ड इश्यूइंग बैंक।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम एटीएम में जाते हैं। एटीएम में जब कोई मशीन देखते हैं तो हमें लगता है कि जस्ट नॉर्मल एटीएम मशीन है, बट रियल डिफरेंस इज दैट कि अगर उस मशीन पे उस ऑपरेटर का नाम हो, जैसे कि कोई मान लो कि टीसीएस, टीसीएस कंपनी के पास कांटेक्ट दिया है कि वो एटीएम, सपोज एसबीआई का एटीएम है और उसमें जो मशीन लगा है, तो एसबीआई ने टीसीएस को कांटेक्ट दिया है कि इस मशीन को ऑपरेट करे, मेंटेन करे, ठीक है। अगर उस मशीन के कोई, हम मान लो कि हमारे नियर बाय एसबीआई के एटीएम में गए, तो वो मशीन पे अगर उसका लेबल लगा है, ठीक है, या फिर उसका लोगो डिस्प्लेड हो हुआ है, तो वो टीसीएस के नाम से लोगो डिस्प्ले हुआ है, तो उसका मतलब है वो वाइट लेबल एटीएम है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस ऑफ कैश डिपॉजिट, सेकेंड ऑप्शन है, एक्सेप्टेंस ऑफ कैश डिपॉजिट्स एट द WLA इज़ नॉट परमिटेड एट द प्रेजेंट। जैसे कि अभी रिसेंटली जितने भी एटीएम है जहाँ पे हम कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वो बैंक के खुद के एटीएम से वो खुद बैंक मेंटेन करती है, ऑपरेट करती है, बट WLA जो व्हाइट लेबल एटीएम से है, उसमें कैश डिपॉजिट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इज नॉट परमिटेड, ठीक है, ये आप बात ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द रैशनल ऑफ अलाउइंग नॉन बैंक एंटिटीज फॉर सेटिंग अप ऑफ WLAs। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, ये क्वेश्चन जो पूछा है कि ऐसा क्वेश्चन है कि इसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है कि नॉन बैंक एंटिटीज को अलाउ किया है व्हाइट लेबल एटीएम सेटअप करने का, ठीक है। तो इसके पीछे इसका आंसर है फ्रेंड्स, रैशनल ऑफ अलाउइंग नॉन बैंक एंटिटीज टू सेटअप व्हाइट लेबल एटीएम्स हैज़ बीन टू इंक्रीज द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ एटीएम फॉर इंक्रीज एनहांस कस्टमर सर्विस। तो फ्रेंड्स, मान लो कि मेरा अगर गांव है, ठीक है, मैं अगर गांव में रहता हूँ, उस गांव में एसबीआई की एक ब्रांच है, बट उस गांव के 30-30 किलोमीटर दूर तक कोई दूसरा गांव ही नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई गांव नहीं, या फिर छोटा सा एक दो गांव है, तो वो खुद बैंक को, वो एसबीआई के ब्रांच को, जो गांव में जो ब्रांच है, उस ब्रांच को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि दूसरे एटीएम को मेंटेन रखना, ऑपरेट करना। तो इस टाइम पे, ऐसे वक्त पे बैंक क्या करती है कि दूसरे कंपनीज को मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि बाबा वो जो दूर जो एटीएम्स है हमारे, डिस्टेंस पे जो एटीएम मशीन्स है, उसको आप मेंटेन रखें, ऑपरेट करें, कुछ जो भी चार्जेस है हम आपको दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया है कि एटीएम मशीन या फिर बैंकिंग सर्विसेज मैक्सिमम लोकेशन पे अवेलेबल हो कस्टमर्स के लिए, बैंकिंग कस्टमर सर्विस जो है वो इम्प्रूव हो, इंक्रीज हो, इसके पीछे ये पर्पज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कार्ड्स कैन बी यूज्ड एट द एटीएम WLA, ठीक है, कैसे तरह, किस तरह के कार्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं ये एटीएम मशीन में। द एटीएम, एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड ओपन प्रीपेड कार्ड्स दैट परमिट कैश विड्रॉल इशूड बाय बैंक्स कैन बी यूज्ड एट एटीएम WLAs फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स, एटीएम का मतलब है जो एटीएम कार्ड होता है, पहले इनिशियली जब एटीएम कार्ड जो आए, एस्टेब्लिश हुए, तो जब सिर्फ एटीएम कार्ड होते थे, इसका मतलब है कि हम वो एटीएम कार्ड से सिर्फ पैसे निकाल सकते थे, बट लेटर ऑन एटीएम कम डेबिट कार्ड आया मार्केट में। तो एटीएम का डेबिट कार्ड का मतलब है कि हम वो एटीएम से तो पैसे निकाल ही सकते हैं, बट हम पॉस मशीन पे भी, मतलब स्वाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई मॉल में गए, हमें कुछ शॉपिंग किया हमने, तो हम स्वाइप भी कर सकते हैं, तो उस कार्ड को कहते हैं एटीएम कम डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में तो आपको पता है, और ओपन प्रीपेड कार्ड, जैसे कि कोई हमारा कार्ड है, इसमें हम, जैसे हम सिम कार्ड पे आइडिया का कार्ड हो, उसमें हम प्रीपेड का वाउचर रिचार्ज करते, वैसे ही प्रीपेड कार्ड्स होते हैं जिसमें हम पैसे भर के बाद में विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कार्ड हम एटीएम मशीन में यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल एट एटीएम WLAs। इन एडिशन टू कैश डिस्पेंसिंग, एटीएम्स में ऑफर दिस सर्विसेज, जैसे कि कैश डिपॉजिट, आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि व्हाइट लेबल एटीएम्स में कैश एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ये आर नॉट परमिटेड, ठीक है, जो नॉर्मल एटीएम में अवेलेबल होता है। रेगुलर बिल्स पेमेंट, रेगुलर बिल्स पेमेंट, ठीक है, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये व्हाइट लेबल एटीएम में अलाउड नहीं है। परचेस ऑफ रीलोड वाउचर्स फॉर मोबाइल
जैसे कि हम मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं एटीएम मशीन से, बट ये वाइट लेबल एटीएम में अवेलेबल नहीं होता है। मिनी शॉर्ट स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं दोनों भी मशीन से, हम मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। पिन चेंज रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, जैसे कि ये फैसिलिटी है चेकबुक का रिक्वेस्ट करना है या फिर हमें उस एटीएम का पिन चेंज करना है, ये हम उसे कर सकते हैं एटीएम मशीन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स शुड अ कस्टमर टेक इन केस ऑफ फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन एट अदर बैंक वाइट लेबल एटीएम्स व्हेन हिज हर अकाउंट इज डेबिटेड। मान लो कि मेरा एसबीआई का अकाउंट है, मेरा एसबीआई का एटीएम कार्ड मैं लेके गया दूसरे बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चला गया, ठीक है, या फिर एसबीआई के एटीएम में चला गया, बट मैं जब एटीएम कार्ड एक्सेस करता हूँ तब मुझे वो पैसे नहीं निकलते, बट मुझे एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट से इतने इतने पैसे डेबिट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट है, जैसे कि देखो, द कस्टमर शुड लॉज अ कंप्लेंट विथ द कार्ड इशूइंग बैंक एट द अर्लीएस्ट, ठीक है। ऐसे पैसे एसएमएस आने पे, जैसे कि मुझे डेबिट का एसएमएस आया लेकिन पैसे तो नहीं निकले, एटीएम मशीन से पैसे बाहर नहीं आए लेकिन मुझे एसएमएस आए कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिटेड हुए, तो ये ऐसे वक्त पे क्या करना है कि आपको एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है आपके कार्ड इशूइंग बैंक से, मतलब जहाँ पे आपका अकाउंट हो, जिस बैंक का आप एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हो उस बैंक में जाके आपको वो कंप्लेंट लॉन्च करनी है। दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल इवन इफ द ट्रांजेक्शन वॉज कैरिड आउट एट अनदर बैंक नॉन बैंक एटीएम। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एसबीआई का कार्ड है और मैं अगर बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन में से पैसे निकाल रहा हो तब भी आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। इन केस ऑफ WLAs वाइट लेबल ATMs द कॉन्टैक्ट नंबर्स टोल फ्री नंबर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फेल्ड ट्रांजेक्शन एट देयर ATM। ये हर तरह के ATM मशीन में इसके कॉन्टैक्ट नंबर्स अपडेटेड होते हैं, ये RBI ने कंपल्सरी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इज देर एनी टाइम लिमिट फॉर द कार्ड इशूइंग बैंक्स फॉर रिक्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट फॉर फेल्ड ATM WLA ट्रांजेक्शन इंडिकेटेड अंडर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर गलत है, ये ऊपर का जो क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 7 लिखना था, यहाँ पे 14 आ चुका है बाय प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि कितना टाइम लिमिट हो सकता है कि अगर मेरा फेल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन मुझे डेबिट का मैसेज आया है, तो इसमें क्या टाइम लिमिट होता है कि मेरी बैंक मेरे अकाउंट में फिर से वो पैसा डालती है, ठीक है, क्रेडिट करती है, तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट हो सकता है। एज़ पर RBI इंस्ट्रक्शन DPSSPD, ये रेफरेंस नंबर है उस सर्कुलर का, ठीक है, बैंक्स हैव बीन मैंडेटेड टू रिजॉल्व कस्टमर्स कंप्लेंट बाय रिक्रेडिंग द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कि 7 तारीख को मेरा अगर अकाउंट डेबिट हो चुका है, तो मैं अगर 9 तारीख को ये कंप्लेंट लॉन्च करता हूँ मेरे बैंक में, तो 9 तारीख से लेके 7 वर्किंग डेज में, 7 काम के दिन, ठीक है, काम काज के दिन जो जितने भी होते हैं, संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे सेकेंड फोर्थ सैटरडे को छुट्टी होती है, जितने भी काम काज के दिन होते हैं ऐसे 7 काम काज के दिन में ये कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए, ऐसा RBI का मैंडेट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर द कस्टमर्स एलिजिबल फॉर कंपेंसेशन फॉर डिलेज बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यस। अगर कोई कस्टमर को 7 दिन से भी ज़्यादा टाइम लगता है बैंक को पैसा क्रेडिट करने के लिए, तो कस्टमर एलिजिबल है कंपेंसेशन के लिए, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम July 1, 2011 बैंक्स हैव टू पे कंपेंसेशन ऑफ ₹100 per day, ठीक है, 100 per day फॉर डिलेज इन रिक्रेडिटिंग द अमाउंट बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट फॉर फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने बताया कि 7 तारीख को मेरा ट्रांजेक्शन फेल हुआ, मैंने 9 तारीख को कंप्लेंट लॉन्च की, बट मान लो कि 17 तारीख को मेरे 7 वर्किंग डेज कंप्लीट होते हैं, बट 17 तारीख तक मेरे अकाउंट में पैसा अगर क्रेडिट नहीं होता, रिक्रेडिट नहीं होता, रिवर्स नहीं होती अमाउंट 17 तारीख के बाद होती है, मान लो कि 20 तारीख को मेरे अकाउंट में वो पैसे जमा हो गए, तो 17 से लेके 18, 19 और 20 3 दिन के पर डे 100 के हिसाब से ₹300 का कंपेंसेशन मुझे मिल सकता है, ठीक है। डेट
that compensation has to be credited to the account of the customer without any claim being made by the customer. इसके लिए मुझे कोई भी कंप्लेन लॉज नहीं करनी पड़ेगी. अगर डिले होता है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी क्रेडिटेड टू माय अकाउंट. ठीक है, तो इसे इसके लिए मुझे कोई कंप्लेन करनी नहीं है. ये अपने आप मेरे अकाउंट में जितने भी ज़्यादा दिन डिले हो चुका है उतने दिन के पैसे मुझे मिल जाएंगे. इफ़ द कंप्लेंट इज नॉट लॉज विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन द कस्टमर इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कंपेंसेशन फॉर डिले. अगर मेरा 7 तारीख को ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, अगर मैं एक महीने तक, अगर 30 दिन तक मैं कोई कंप्लेंट लॉज नहीं करता हूँ, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ कंपेंसेशन. जो 100 रुपये का कंपेंसेशन है, ये मैं इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ. फ्रेंड्स, द 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द कस्टमर इफ़ द कंप्लेंट इज़ नॉट एड्रेस्ड बाय हिज हर बैंक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. ठीक है, within stipulated time and not addressed to his her satisfaction. Friends, iska answer hai, the customer can take a recourse to banking ombudsman. Theek hai, if the grievance is not redressed by his or her card issuing bank. Agar ye customer ye bank ki taraf se meri query handle nahi hoti hai, complaint nahi hoti hai, grievance iska solve nahi hota hai, redress nahi hota hai, to main seedha banking ombudsman ke paas ja sakta hu. तो फ्रेंड्स, ये एटीएम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ऐसे ही हम आपके सामने ये सीरीज आपके सामने पेश कर रहे हैं. आपके बैंकिंग एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ऐसे फिनेंशियल रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल है. तो फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बार अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए. फ्रेंड्स, आप हमें मेल कर सकते हो, हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो. हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule. फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है आपको, हम हमेशा PDF प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको हमारे PDF चाहिए तो इसके लिए ये नंबर प्रोवाइड किया है, ना कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप इन टच. आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच.